मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ावलिया। आइए बच्चों, आज हम लोग जो है वैद्य से संबंधित कुछ फंडामेंटल टॉपिक पर विचार करते हैं। यह टॉपिक पहला आपका है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आइए परिभाषा हम लोग एक लाइन का याद करेंगे। किसी परिपथ में या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी बच्चों, वैद्युत धारा बराबर होगा क्या? वैद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह बटा आवेश प्रवाह करने में लगा समय। अच्छा, वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से, और यदि हम समय को T से प्रदर्शित करें तो एक सूत्र बन करके निकलता है बच्चों, ये होता है I बराबर Q बटा में T। तो वैद्युत धारा किसे कहा हमने? कि किसी परिपथ में या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो आवेश प्रवाह की दर, दर मैंने समय से भाग देना, तो आवेश प्रवाह बटा समय। यदि हम देखें तो वैद्युत धारा को मैंने कहा कि I से प्रदर्शित किया जाए, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाए और समय को T से, तो इस प्रकार से हम लोगों को एक सूत्र मिला I इक्वल टू Q बटा में T। बच्चों Q बटा T आपका हो गया। अब जाने वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर। तो आइए बच्चों देखते हैं एम्पियर। अच्छा, ये बताया गया है कि निर्वात में अनंत लंबाई के दो समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर रखा जाए और उन दोनों तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो दोनों तारों के बीच प्रति एकांक मीटर पर लगने वाले बल का मान 2×10⁻⁷ है। तो बच्चों, उस परिपथ में बहने वाले धारा का मान 1 एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे बच्चा? ए से। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा एम्पियर की परिभाषा। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत एम्पियर के लिए क्या कह सकते हैं? तो ध्यान रखें, हमने क्या लिखा था? धारा आवेश प्रवाह बटा समय। तो इसको इस प्रकार से भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित होती है। अगर 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होती है तो उसी का मान 1 एम्पियर होता है। और इस तरीके से धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आइए देखते हैं कूलम के बारे में। कूलम के बारे में, अच्छा, कूलम की परिभाषा आपको निकालने के लिए धारा से निकलेगा। धारा के लिए क्या पढ़े थे आप लोग? वैद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह बटा में समय। तो I इक्वल टू Q बटा में T। तो अब देखिए, तो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो फिर यह कूलम किसके बराबर हो गया? यानी Q बराबर किसके? तो I इंटू T। बच्चों इसी के ऊपर जो है परिभाषित हो जाएगा कि यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसका मान 1 कूलम के बराबर होता है, और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो कूलम का यह परिभाषा क्लियर हो गया कि यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इसी का मान 1 कूलम होता है, और इस कूलम को हम प्रदर्शन के रूप में सी का प्रयोग करते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि 1C बराबर 1A इंटू S, इससे ऐसे भी जानेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है।